सत श्री अकाल जी, सारे चैनल पंजाबी टोटके दे उपाविस तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। एक होर टैरो कार्ड रीडिंग दी वीडियो लेके असी तुहाडे सामने हाजिर हाँ। आज की रीडिंग विच असी देखांगे कि तुसी किन्ने ज्यादा लकी हो, किन्ने किस्मत वाले हो। पूरा मीटर असी देखांगे, यानी कि मीटर है ना, समझ जाना मतलब कि किन्ने परसेंट तुसी लकी हो, ऐ देखन वाले हाँ। इस दे नाल नाल असी आज दी रीडिंग विच देखांगे कि ऐसे केड़े काम हन जो तुहाडी किस्मत नू डाउन कर रहे हन, जेकर तुहाडी किस्मत दा मीटर कट निकलदा है। ओके, ऐसे केड़े काम हन जिस नाल तुहाडा मीटर लक दा नीचे आ जांदा है, उस दे बारे असी तुहानू उपाय दसांगे। नाल दे नाल असी लास्ट विच तुहानू ए वी दसांगे कि तुसी ऐसा की करो कि तुहाडा किस्मत दा मीटर उपर चला जावे, तुहाडे ग्राफ किस्मत दा उपर चला जावे, हाई हो जावे। तो चलो जी, सब तो पहले अज तुसी किस तरह अपना पाइल चुनना है, ऑप्शन चुनना है। इत्थे देखो, सब तो पहले मैं दो स्लिप लेके आई हाँ, जिस दे उत्ते 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा है। दूसरी स्लिप ते 5 6 7 8 9 लिखा है। ठीक है, भाग्यांक 1 तो लेके 9 दे विचकार ही होंदे हन, 0 किसी दा भाग्यांक नहीं होंदा। भाग्यांक करना बड़ा ही सौखा होंदा है, जेड़ी तुहाडी जन्म तारीख है उन्हां दा पूरा जोड़ कर लवो, टोटल कर लवो। जिस तरह कि मैं तुहानू फॉर एग्जाम्पल दस दंदी हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1970। ठीक है, हुण इसका आपां टोटल कर लवांगे। ठीक है, ते देखो जी, इसका टोटल आ रहा है 32, यानी कि 32। 32 नू आपां टोटल करांगे, 3 + 2 आ जाएगा 5, यानी कि 5। तो 5 हो गया भाग्यांक। इस तरह तुसी अपनी जन्म तारीख दा भाग्यांक कढ़ लेना है, ते ओ ही जो नंबर आएगा ते जेड़ी स्लिप विच ओ नंबर होएगा ओ तुसी स्लिप चुन लेनी है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तुहानू समझ आ गया होएगा। ते चलो जी, आपां शुरू करदे हां। उस तो पहले मैं तुहानू टाइम दे रही हां, ऐ स्लिप दिखा रही हां, अपना भाग्यांक कढ़ के ते जल्दी दे नाल पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी तुहाडा भाग्यांक जेड़ी भी स्लिप विच आंदा है ओ चुन लो। ते चलो जी, मैनू उम्मीद है तुसी अपना भाग्यांक कढ़ के पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 चुन लिता होएगा। ते असी शुरू करदे हां, सब तो पहले पाइल नंबर 1 जिन्हां ने चुनिया है, जिन्हां दा भाग्यांक 1 2 3 4 है। ठीक है, सो असी शुरू करन तो पहले मैं तुहाडे बारे कुछ दस दंदी हां। जे रेजोनेट होएगा, कनेक्ट होएगा तो जरूर कमेंट करके दसना जी। जेडे 1 2 3 4 वाले भाग्यांक वाले लोग होंगे ना, ओ मैनू लगता है कि इस तरह दे होंगे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हन, कि तुसी थोड़े जे ना लोकां दे मुंह दे अग्गे जिस तरह होंदा ना स्पष्ट बोल देना, बड़बड़ करना बहुत करदे होवोगे, डोमिनेटिंग नेचर होएगी, लोकां नू तुसी कर दंदे होवोगे, ते इमोशनल होवोगे। ठीक है, प्लस तुसी सोशल मीडिया ते अपना सारा कुछ लोकां नू शो कर दंदे हो। इस तो अलावा तुसी 6 महीने तो जिस तरह की सोचते हो कि मैं 4 बजे उठांगा, 5 बजे उठांगा, 6 बजे उठांगा, बस चलता ही जा रहा है, उठते नहीं हो, राती फोन छड़ते नहीं हो, सवेरे लेट उठते हो, तो जिस तरह मर्जी जल्दी जल्दी तैयार होके ऑफिस अपना काम जॉब जिथे भी हो चले जाते होवोगे। इस तरह की भाग्यांक वाले लोगों की एनर्जीज मेरे सामने आई हैं। तो चलो जी, मैं हुण शुरू कर रही हाँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड अस कि भाग्यांक 1 2 3 4 वालों का किस्मत दा मीटर सानू दिखाओ, सानू गाइड करो, एडवाइस। ओके हां, ओके ठीक है जी, मैं पूरे कार्ड्स पहले कढ़ लेंदी हां ताकि एक्सप्लेन करांगे फिर इको बारी अच्छी तरह पूरे कार्ड्स देख के। ठीक है, ओके देखो पाइल नंबर 1 रीडिंग शुरू करते हाँ। सब तो पहले मैं तुहानू दस दिया कि इत्थे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली फील कर रही हां कि तुहानू परमात्मा वालों जेड़ा लक है ना, किस्मत है, बहुत ज्यादा मिलिया होया है। ठीक है, हुण जे मैं इत्थे कहां कि तुहानू किन्ना लक मिलिया होएगा, तो देखो इत्थे मैजिशियन का कार्ड है, तुसी अपनी जिंदगी विच कुछ भी जादू कर सकते हो। मैजिक दा इत्थे मतलब है कि तुसी अपने हिसाब नाल, तुहाडे विच ऐसी क्वालिटी है कि तुसी अपने हिसाब नाल जिस तरह तुसी जिंदगी जीना चाहते हो ना, उस तरह दी जी सकते हो। ओही मतलब जो काम है तुसी कर सकते हो, एबिलिटी तुहाडे अंदर है। पर इत्थे हुण इस वेले तुसी पता की कीता होया है, तुसी अपने आप नू ना इस तरह दिखाई दे रहा है कि बंधिया होया,
ठीक है। बंदिया होए दा मतलब ए है कि इन द सेंस ऑफ जिम्मेवारियां बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलो, जिस तरह की बोल रहे हो कि मेरी हुण उम्र थोड़ी ना है ए सब काम करन दी, या फिर मैं ना परेशानियां तो दुखी हो गया हाँ या हो गई हाँ, ए सब हुण मेरे को नहीं होएगा, इस तरह दी एनर्जीज चल रही हन एट प्रेजेंट। ओके, ए सब तुसी सोच रहे हो। ओके, मतलब कि सेल्फ एजम्पशन कर रहे हो। सेल्फ एजम्पशन का मतलब होंदा है कि अपने आप ही चीजा सोची जा रही हो। मैं तुहानू एक गल दस देवां, जेड़ा इंसान अपने आप ही एज्यूम करता रहिंदा ना चीजा, ए तां हुण होएगा नहीं, हुण मेरे कोल थोड़ी ना है, मेरी उम्र नहीं है, या फिर मेरे कोल ए सब नहीं होंदा, मेरे वस दा नहीं है, है ना। इस तरह का जो सोचता है ना सेल्फ, अपने आप ही सोचता रहिंदा कि मेरे कोल नहीं होएगा या नहीं, तां ओ जिंदगी विच कदी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई भी काम शुरू करन तो पहले ही तुसी नेगेटिव हो जाते हो, अपने आप ही एजम्पशन करन लग जाते हो कि नहीं मेरे कोलो किवें होएगा, मेरे तो ता ए काम नहीं होएगा। ठीक है ना, मतलब अपने आप ही तुसी अपनी लाइफ विच ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो देखा जावे ना 80-90% लोग अपने आप तो ना नेगेटिविटी ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि अच्छा कदी भी नहीं कोई सोचता। पर तुसी ए एक मैं तुहानू ना बहुत वड्डा सक्सेस होन दा एक मंत्र ही समझ लो दस रही हां कि हमेशा जिन्नी मर्जी तुहाडे उत्ते परेशानी आ जावे, जिन्नी मर्जी उहदे विचों भी ना अच्छा ही सोचो, अच्छा ही सोचो कि ए अच्छे वास्ते ही होया होएगा, ता देखना किवें जिंदगी बदलदी है। ए एक ऐसा सक्सेस होन दा गुण है जो यूनिवर्स तुहानू संदेश दिंदी है। ठीक है, सिंपल ते सरल भाषा विच मैं तुहानू दस देवां कि परमात्मा ने तुहानू इन्ना लक दिता होया है, इन्नी किस्मत दिती हुई है, इन्नी किस्मत दिती हुई है कि तुसी जो चाहो अपनी जिंदगी विच कर सकदे हो, अपनी जिंदगी विच लिया सकदे हो, ते जो चाहो अपनी जिंदगी विचों सुट सकदे हो। सुटना की है, नेगेटिविटी नू सुटना है। तुहाडे आस पास के लोग जो अच्छे नहीं हन, जो तुहानू नेगेटिव वाइब्स दिंदे हन, बैड वाइब्स दिंदे हन, है ना, जिन्हां दा ओरा अच्छा नहीं है, उन्हां नू सुट सकदे हो अपनी लाइफ तो। इन्ना तुसी इन्ना लक तुहानू दिता होया है, मतलब लक दिता होया है, तुहाडा यूनिवर्स दे ब्लेसिंग्स है तुहाडे उपर। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रही हूं तुहानू। पर फिर ओही गल है कि तुसी नहीं करदे ओ सब, पर तुहाडे अंदर ए सब चीज है, पर तुसी पहचान नहीं पा रहे हो, तुसी अपने आप नू बनिया होया है कि मेरे कोल नहीं होएगा, नहीं होएगा। इथे ना देखो ए कार्ड आया है ना, इस कार्ड दे उपर ना ए देखो इनफिनिटी दा साइन बनिया होया है, यानी कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तुसी मतलब तुहाडे अंदर पोटेंशियल है, तुसी सब कुछ कर सकदे हो पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, बार बार तुहाडे वास्ते पाइल नंबर 1 एही गाइडेंस एडवाइस आ रही है कि तुसी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ए जो कार्ड आया है देखो इस तरह दा ए बंधिया होया है लेडी नू। ठीक है, पर जे असी इस नू उल्टा कर देंदे हां ना, तां ए सन नू पकड़ रही है। ठीक है, सूरज नू पकड़ रही है, मतलब कहंदा कि बार बार ए ही समझाया जा रहा है लक बहुत अच्छा है, परमात्मा तुहाडे नाल हन, वाहिगुरु परमात्मा अल्लाह ईश्वर जिन्हां नू भी तुसी मनदे हो सब तुहाडे नाल हन, तुहाडी अंदर दी जो पोटेंशियल है उस नू पहचानो, ओ जरूर करो। ठीक है, ए आलसपना, ठीक है, ए कहना कि नहीं होएगा या मेरे तो ए नहीं होएगा, जिम्मेवारियां तो भजो ना करो, सब काम तुहाडे कारज रास होणगे, सारे तुहाडे काम होणगे। हुण इस वेले पता तुसी केड़ी एनर्जी विच चल रहे हो। ठीक है, 7 of Pentacles दा कार्ड है, ते तुसी बड़ी ही तुहाडी एनर्जी स्लो चल रही हां, कहण दा मतलब मेहनत बहुत कर रहे हो पर तुहानू कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, दिशा नहीं मिल रही है, या कह सकते हो सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके, नाल दे नाल मनी दा फ्लो थोड़ा है। ठीक है, ते थोड़ी जी खुशी जेकर तुहाडी जिंदगी विच आंदी है ना, तुहाडी लाइफ च आंदी है, तां फिर थोड़ी देर बाद फिर ओ मतलब उसी तरह दी डाउन भी हो जांदी है। ठीक है, जे कनेक्ट हो रहा होएगा तां जरूर कमेंट करके दसना, मतलब इस तरह दी तुहाडी लाइफ चल रही है, जिस तरह एक ट्यूबलाइट होंदी है ना, है ना, जल्दी है बुझदी है, कई बार खराब हो जांदी है, उस तरह दी लाइफ तुहाडी चल रही है। हुण असीं देख लैंदे हां कि किन्ने परसेंट लक फ्यूचर विच तुहाडे आन वाला है। ठीक है, क्योंकि इत्थे मैनू दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 95% लक जेड़ा मीटर है दिखा रहा है कि 95% तुसी
लकी हो। हुन कई लोग ऐसे मेरी ये गल सुन के कहेंगे हाय हाय जे 95% असी लकी हाँ 95% मीटर दिखा रहा है किस्मत वाला ते सानू दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ना। ठीक है वह भी मैं दसांगी उदे ते भी आवांगे। ठीक है उस तो पहले मैं तुहानू दस दंदी हाँ कि जदों तुसी नेगेटिविटी छड़ दोगे ना ठीक है जो मेहनत तुसी कर रहे हो पर मेहनत दे नाल नाल ए भी परेशानी हो जांदे हो कि हो गया हुन मेरे को नहीं होंदा है मेरे को नहीं होएगा जदों ए चीजा तुसी छड़ दोगे ता 95% मीटर कोई कट रेशो नहीं होंदा है। पाइल नंबर वन बहुत अच्छा गुड नाइस रेशियो है ते ए समझ लो कि 95% लक तुहाडा अगे जाके साथ देन वाला है। ते पहले मैं तुहानू ए दस दनी हां कि केड़िया केड़िया ऐसे चीजा तुहानू नजर आनगिया जदों तुहाडा किस्मत दा मीटर जदों 95% हो जाएगा। ओके देखो तुहाडे कोल ना एना लक होएगा पहले मैं दस दनी हां तुहाडे कोल मनी दी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी तुहाडे कोल लव दी प्रॉब्लम नहीं होएगी हर चीज विच तुसी अपने आप नूं लकी स्मार्ट ते किस्मत वाला समझोगे। ठीक है जो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों तुहाडा लक इनहेंस हो जाएगा तां तुहाडे कोल की आएगा देखो एक तां तुसी स्पिरिचुअल हो जाओगे परमात्मा दे विच इन्ना अटूट विश्वास रखोगे कि मतलब तुसी पिछे मुड़ के देखण वाले ही नहीं हो। नंबर दो सच्चा प्यार तुहाडी लाइफ दे अंदर आएगा। ठीक है नंबर तीन बहुत ही अच्छे दोस्त तुहानू मिलणगे लॉयल सच्चे दोस्त मिलणगे। नंबर चार क्लोजर दा कार्ड है गाइज क्लोजर दा कार्ड दा मतलब है कि हर एक चीज दा तुहानू क्लोजर मिलेगा जिहड़ा तुसी कहंदे रहिंदे हो ना कि ए कम जो भी कन्फ्यूजन चलती रहिंदी तुहाडे दिमाग विच ए होएगा या नहीं होएगा एकदम ना क्लीयर पिक्चर। ठीक है परमात्मा अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जी तुहानू एकदम क्लीयर पिक्चर दिखाएंगे क्लोजर मिल जाएगा ना तुसी करोगे यस फिर तुहाडे अंदर ओ एनर्जी आएगी ते तुसी बहुत अच्छी तरह ओ काम करोगे। ठीक है तां देखो तुहाडा जो किस्मत दा मैं मीटर दा तुहानू दस दिता है मोर ओवर 95% तो भी ज्यादा दा इत्थे लक दा मीटर तुहाडा दिखा रहा है बस जरूरत है उस नू पॉलिश करन दी। पॉलिश करना तुहाडे हाथ विच है देखो अपने बारे अपने आप नू प्यार करो अपने बारे विच नेगेटिव ना बोलो क्योंकि देखो शब्दां दे विच ना बहुत ज्यादा ताकत हुंदी है समझ रहे हो। बस एही दो तीन चीजा हन जो तुहाडी किस्मत नू ना बंद के रखिया होया है रोक रही हन ते ए चीजा नू तुसी हटाना है। ठीक है नेगेटिविटी हटाओ अपने आप नू हील करो। एक गल मैं तुहानू इत्थे दस देवां तुसी बाकी लोकां नू भी शेयर करना कि एक हील परसन जिहड़ा हुंदा है ना जिन्हें अपने आप नू हील कीता होया है मैनीफेस्ट कीता होया है हील परसन उहदियां आण वालियां सत पुश्तां भी हील ही निकलदियां हन। ए एक सच्चाई है और एक बहुत वड्डी सच्चाई है तुहानू शायद पता होए या ना होए अज तो पता चलिया है तां अपने आप नू हील करो सैल्फ लवर बनो अपने आप बारे एक्सेप्टेंस यस एक्सेप्टेंस करना बहुत वड्डी गल है। तुसी जिस तरह दे भी देखो तुसी तुहाडी परसनैलिटी वाइज देख लो लुक वाइज जे तुसी जिवें दे भी दिखदे हो मैं बहुत अच्छा हाँ मैं बहुत अच्छी हाँ ठीक है मेरे को सब कुछ है क्योंकि एबंडेंस का भी कार्ड आया है। पाइल नंबर वन एबंडेंस का भी कार्ड आया है तुहानू यही कहा जा रहा है ए किस्मत दा जिहड़ा मीटर इन्ना हाई है पर तुहाडियां केड़ी चीजा नैगेटिव चीजा तुहाडियां खराब कर रही हैं उसनू नीचे लेके आ रही हैं तो तुसी इन्ना चीजा नू ठीक करो। ठीक है मैं तुहानू जिस तरह की मैं कहा सी कि तुहानू मैं लास्ट विच उपाय भी दसांगी जिसके नाल तुहाडा लक जे रुकिया पिया है तो वह बिल्कुल जिस जिन्ना है उन्ना तुहाडा उपर ग्राफ चला जाए। तो सब तो पहले जिन्हों का मूला सॉरी भाग्यांक एक है नंबर एक है तो एक जिहड़ा होंदा है सूरज का होंदा है सूरज के नाल प्रेजेंट करता है तो तुहानू जे हो सके तो सवेरे उठ के जल चढ़ाओ सूरज नू। ठीक है सब तो ए भी नहीं कर सकते तो मैं तो कहांगी कि तुसी परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दो। ठीक है उस दे नाल तुहाडे सारे जिहड़े काम रुके हन ना वह ठीक होणगे। बाकी जिहड़े दूसरे धर्म के लोग हैं मैं उन्होंने कहांगी कि तुसी भी जल चढ़ाओ। ठीक है नाल दे नाल माँ काली हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दो उन्हां दा मंत्र जाप करनी शुरू करो तो बहुत ही अच्छा लक तुहाडा जाएगा जो रुकिया होया है बंदिया होया खुल जाएगा। जिन्हां दा भाग्यांक नंबर दो है
देखो दो नंबर जेड़ा होंदा है मून दा है, चंद्रमा दा है, ता तुहानू की करना चाहिदा है ना कि जदों पूर्णमासी आंदी है ना, ठीक है, उस वेले तुहानू थोड़ी देर उस चंद्रमा दी रोशनी विच बैठना चाहिदा है। प्लस जेड़ा मैं तुहानू मून वाटर बनाना सिखाया होया है, चंद्रमा दी रोशनी विच जल रख दो, ठीक है, टक के रख दो, ऐसा कच दा गिलास दे विच रखो ताकि उहदी रोशनी पवे चंद्रमा दी उत्ते गिलास दे विच, ते सवेरे उठ के उसनू पी लवो या बचा के रखो, रोज सवेरे उठ के थोड़ा 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 जल उसनू ग्रहण करो, ता तुहाडा लक भी बहुत 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 अग्गे जाएगा जी। हुण जिन्हां दा भाग्यांक 3 है ना, उहनां नू पता की करना चाहीदा है, सिंपल जी रेमेडी है उहनां वास्ते, जिन्ना हो सके सच बोलो, जिन्ना हो सके सच बोलो, तुहानू कोई दिक्कत नहीं है, तुहाडी लाइफ विच सब कुछ अच्छा ही अच्छा होएगा, ठीक है। इस दे नाल नाल तुहानू शिव जी दी उपासना करनी चाहीदी है, ठीक है। ते जिन्हां दा हुण नंबर 4 भाग्यांक है, तो उन्हां नू पता की करना चाहिदा है, ज्यादा तो ज्यादा तुहानू सैफरॉन मतलब ओरेंज केसरी कलर दे कपड़े पाने चाहिदे हैं, ज्यादा तो ज्यादा, इस दे नाल बहुत ही ज्यादा लक जेड़ा है तुहाडी लाइफ दे अंदर आंदा है, उसनू अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। सो ऐसी नंबर 1 पाइल नंबर 1 वालियां दी रीडिंग चंगी लगी है तो जरूर वीडियो नू लाइक करना, रीडिंग जो अच्छी लगी है तो कमेंट विच अपना फीडबैक देना, जरूर पॉजिटिव क्लेम जरूर करना होंदा है, ठीक है। थैंक्स यूनिवर्स लिखो एनर्जी मेरे नाल मिलान वास्ते जी। ते चलो जी देख लेंदे हां हुण जिन्हां ने पाइल नंबर 2 नू चुनिया है, जिन्हां दा भाग्यांक 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है जी। ओके पाइल्स 2, एथे मैं तुहाडे सारे कार्ड्स कर लेते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तुहाडे सामने आए कि परमात्मा ने तुहानू किन्ने परसेंट लक दिता होया है। ते सब तो पहले असी गल कर लेंदे हां एथे कि परमात्मा ने किन्ने परसेंट तुहानू लक दिता है, ठीक है जी। पर उस तो पहले ए जो कार्ड दे उत्ते मेरी नजर पै रही है ना, तो वह मैं दिखाई दे रहा है कि तुसी किस तरह दे इंसान हो, जे तुहानू रेजोनेट कनेक्ट होएगा तो जरूर दसना। इस तरह दी एनर्जीज आ रही हैं कि तुहाडे कोल नॉलेज बहुत है, विजडम है, समझदार हो, ठीक है, तुसी एकदम फ्रीडम जिस तरह आजाद जीना चाहते हो ना, इस तरह दे हो, ठीक है। तुहाडी वाइब्स इस तरह दी है कि हमेशा अपने आप नू अगे वधन दे बारे ही सोचदे हो, ते बहुत घट बोलदे होवोगे, या तो बस उन्ना ही बोलदे हो कि जिन्ना जरूरत है, या तो फिर इस तरह बोलदे हो कि बहुत खुल के बोलदे हो कि सारिआं नू चुप करवा देंदे होवोगे। तुहाडे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, चीजां नू तुसी शायद छुपांदे हो। ते सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं तुहानू दस देवा कि तुसी हमेशा अपने मन दी करते हो, ठीक है, ते डिवाइन दे नाल यूनिवर्स दे नाल तुहाडा एक अलग ही कनेक्शन मैनू इत्थे नजर आ रहा है। इस तरह दी तुहाडीआं प्रेजेंट विच मैनू दिखाई दे रही हन एनर्जीज की इस तरह दी तुहाडी पर्सनैलिटी होएगी पाइल्स नंबर 2 वालिआं दी। ते दूसरा ना मैं इत्थे कहांगी ना कि तुसी ना बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहिंदे हो, हाँ जी बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहिंदे हो, ते परमात्मा दे उपर तुहानू ट्रस्ट तो है, विश्वास है, पर इत्थे क्योंकि द फूल दा कार्ड आया है तो यही इंडीकेट करता है कि परमात्मा दे उपर तुहानू विश्वास है, पर ओ विश्वास उस वेले उड़ जाता है जदों तुहाडे उत्ते कोई मुसीबत आती है, समझ रहे हो ना, उस वेले तुसी मतलब कहना शुरू कर देंदे हो कि क्यों मेरे नाल ही, क्यों क्यों मेरे नाल इस तरह कीता तुसी, उस वेले तुहाडा ट्रस्ट विश्वास सब उड़ जांदा है, सब परमात्मा दे उपर तुहाडा उड़ जांदा है, जो कि गलत है गाइस पाइल नंबर 2। ते एथे ना मैं एक चीज बहुत ही गलत थोड़ा जा फील कर रही हां, जो कि मैनू स्ट्रांगली फील हो रहा है तुहाडा गलत बिहेवियर, गलत बिहेवियर इन द सेंस कि जिस वेले कुछ प्रॉब्लम आंदी है ना, तुसी ओ चीज नू छड्ड के, ओ जो सिचुएशन होंदी है ना उसनू छड्ड के भज जांदे हो, ते इसी रीजन दे कारण तुहाडा जेड़ा लक है ना, जो परमात्मा ने तुहानू लक दिता है, ओ नीचे हो जांदा है, घट हो जांदा है, ठीक है। ते परमात्मा ने तुहानू जो लक दिता है उसकी परसेंटेज है 80%, 80% गाइज पाइल नंबर 2। ते ए जेड़ा लक है ना, ए जेड़ी किस्मत है, सानू किथों मिलदी है, किवें मिलदी है परमात्मा तो, साडे पास्ट लाइफ दे कर्मां तों, ठीक है। ते पास लाइफ के कर्मा दे आधार ते तुहानू परमात्मा ने 80% दा लग दिता है, पर उदे विच्चों, हां जी ध्यान नाल सुनो पाइल नंबर 2,
कि उदे विचो तुसी 70% भी अपना लक अपनी किस्मत यूज नहीं कर रहे हो। इथे देखो क्यों, क्योंकि इथे इस तरह दी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि तुसी तां कदी तां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जांदे हो काम करन नूं, पर फिर एकदम ठंडे भी पै जांदे हो, जिस तरह पानी दा बुलबुला समझ लो या साबण दी झाग दा जो बुलबुला हुंदा ना, एकदम उठदा है फिर थोड़ी देर बाद ओ नजर ही नहीं आंदा किथे। इस तरह दी एनर्जीज तुहाडे अंदर दिखाई दे रही है, इसके कारण तुसी अपना जिहड़ा लक है ना अच्छी तरह यूज ही नहीं कर पा रहे हो। किधर ना किधरे लोकी तुहाडे उत्ते रूल करदे हन, लोकी रूल किस तरह करदे हन, तुहानू कमांदे हन कि इस तरह करो उस तरह करो, तुसी उन्हां दे चक्करां विच आंदे हो। बाहर निकलना पेगा अपना लक जो परमात्मा ने तुहानू 80% बहुत घट नहीं हुंदा है, 80% भी जो पायल नंबर 1 वालियां दा 90-95 शायद आया सी है ना, उन्होंने दा भी उन्हां दा ते बहुत अच्छा है, पर जे कंपैरिजन करो तुहाडा भी बहुत अच्छा है 80%, पर तुसी अपनियां गलतियां करके ही तुसी इस नूं कहंदे आ ना कि जो सानू दिता गया है असी उस नूं छड के दूजे पासे भजदे आ, इस तरह दा तुसी कर रहे हो। अपने आप नूं तुसी कल्लेपन विच रखिया होया है ना, आइसोलेट किया होया अपने आप नूं, तां किस तरह लाइफ च अगे वधोगे। परमात्मा तां कह रहा ना कि मैं तां तुहानूं दे दित्ती किस्मत अच्छी दे दित्ती है, पेज दिता है धरती ते, हूं अपने आप तां अगे चलो, थाली तां मैं तुहानूं सजा के दे दित्ती है, अपने मुंह विच तां तुहानूं खुद दी ग्रही तोड़ के पानी पेगी ना अपने हत्थां दे नाल, समझ रहे हो तुसी। क्योंकि देखो जिन्ना तुसी लाइफ तो जिंदगी दी परेशानियां तो भजोगे ना, उन्ना ही तुसी मतलब सक्सेस नहीं हो सकते, फसदे जाओगे, परेशानियां तुहाडियां कदी खत्म ही नहीं होणगियां। तुहाडे नाल ना इस तरह दा हुंदा होएगा कि लोकी ना तुहानू जज ही नहीं कर पांदे, तुहानू जज किवें करदे हन तुहाडे बिहेवियर तो, जो कि तुहाडा गलत बिहेवियर मैं बोलिया है ना, ते तुहानू मतलब जो तुहाडे अंदर अच्छी चीज है उसनू तुसी भी ना दिखा पांदे हो लोकां नूं, और लोकी देख भी नहीं पांदे, क्योंकि ओ सानू शो करना पेगा ना, ठीक है। लोकी अपने आप तां नहीं देखणगे कि हाँ ये बंदा चंगा है, पर बिहेवियर तां उत्तों तां मैनूं गाला कर रहा है पर अंदरों बंदा बड़ा चंगा है, ऐ किवें हो सकदा, लोकी तां नहीं विश्वास करणगे। तां तुहानूं ओ चीज दिखानी है, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है, एक्साइटेड होयो तां एक्साइटेड ही रहो अपने गोल तक पहुंचने वास्ते। पायल नंबर 2, देखो पायल नंबर 2, जिस तरह की मैं तुहानूं कहा कि परमात्मा वालों लक तुहानूं 80% मिलिया है, पर तुसी 70% भी यूज उसका नहीं कर रहे हो, तां मैं तुहानूं रेमेडी उपाय दसांगी जिस दे नाल पेज ऑफ वांड्स दा कार्ड आया है, ठीक है, विजयी रहोगे, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। पार पार के ना तुहाडे कोल चॉइसेस होणगे, ऑप्शंस होणगे, चॉइसेस दा मतलब है कि मतलब तुहाडे कोल पैसियां दे मामले विच भी चॉइस होएगी, तुहाडे करियर दे मामले विच, जॉब दे मामले विच अच्छे अच्छे अफसर आणगे, एनियां जॉब्स आणगियां कि तुहानू चॉइस होएगी। कई बार होंदा ना कि सानू इक्को ही जॉब होंदी है पर सानू पसंद नहीं होंदी है, पर मजबूरी च करनी पैंदी है, पर उहदे विच भी तुहानू काफी अच्छे अफसर आणगे, जॉब, प्रोफेशन, लव लाइफ विच, मनी एबंडेंस, हर चीज विच परमात्मा, यूनिवर्स, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु जी तुहानू बहुत बहुत सारे अवसर देंगे, चॉइसेस देंगे, ठीक है। हुण मैं एक बहुत वड्डी गल बोलन जा रही हां, देखो इस तरह दी एनर्जीज आ रही हैं कि तुसी बहुत ही जल्दी अपना मकान, अपना घर, अपनी गड्डी, ए सब क्रिएट कर पाओगे। कदों? जदों तुसी अपना लक खुद इनहेंस कर पाओगे उदों ही, ठीक है, जो कि तुसी हुण नहीं कर रहे हो। ऐथे पता तुहानू की कहा जा रहा है पायल नंबर 2 कि जेडे पास्ट लाइफ दे तुहाडे जो कार्मिक लोग हन ना, ओ तुहानू बड़ा ही हर्ट करदे हन, तुहाडा दिल दुखांदे हन या तुहाडे तो बड़ी मेहनत करवांदे हन, है ना, जिसके कारण तुसी आइसोलेट हो जांदे हो। आइसोलेट दा मतलब है कि तुसी ऐदा तुहानूं पता ही हुंदा है कि केड़े जो लोग मेरे नाल गल कर रहे हन, है ना, उन्हां दा डबल फेस है, केड़े मेरे हित विच गल कर रहा है, केड़ा मेरा भला चाहुंदा है, केड़ा मेरा भला नहीं चाहुंदा है, ते तुसी उन्हां लोगों तो मतलब हर्ट होना ही नहीं है, अपना दिल दुखाना ही नहीं है, लोकी जो मर्जी कहन, क्योंकि तुहाडे कोल 80% लक भगवान ने, रब ने, परमात्मा जी ने तुहानू दिता होया है ना, है ना, ते तुहाडे मन विच ए आना चाहिदा है कि मेरे कोल मेरा लक है, मेरी किस्मत है, ए लोग जो मैनू परेशान कर रहे हैं, ए मेरे तो दूर भी चले गए तो मैनू किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। ते ए सब चीजा विचो जो तुसी निकल जाओगे ना, ए पास्ट लाइफ दे कार्मिक लोगा तो भी निकल जाओगे बाहर, है ना, तो तुहाडा जो
80% लक है वो एक्टिव हो जाएगा तो तुहानू सब कुछ मिलेगा, एक न्यू बिगनिंग तुहाडी शुरू होएगी। नंबर टू, लव लाइफ विच तुहानू सच्चा प्यार दी जो तलाश है वो तुहानू मिलेगी, मनी मिलेगी, एबंडेंस मिलेगी। ठीक है, जो भी दुखां विच तुसी हुण घूम रहे हो उन्हां तो तुसी दूर हो जाओगे, है ना, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है ना कि एक नवी लाइफ की शुरुआत होवे, अच्छी लाइफ की शुरुआत होवे। जो मैं लाइफ हुण जी रहा वो जो तुसी खुश नहीं हो तो न्यू बिगनिंग था हर कोई चाहता है ना। ठीक है, तो तुहाडी वो होएगी जो तुसी ए यूज करना शुरू करता, जो तुसी लक अपना यूज नहीं कर रहे हो। केड़िया केड़िया गल्ला, एक तो ए लोकां तो तुसी दूर हो जाओ जिन्हां तो तुहाडा दिल दुखी हो जाता है, हटा दो उन्हां नूं अपनी लाइफ तो, गलत बिहेवियर अपना दूर करो, ठीक करो उसनूं। तीसरा, जो तुहाडे अंदर कॉन्फिडेंस है वो तुहाडा कुछ दिन चलता है, उस तो बाद तुसी एक्साइटेड होने तो बाद एकदम डीमोटिवेट हो जाते हो, उसनों दूर करो। देखो पायल नंबर टू तुहाडे वास्ते ए भी एडवाइस आई है यूनिवर्स वालों कि जो तुसी दूसरे लोकां दी लाइफ विच घुसदे हो ना, जो इंटरफेयर करदे हो, बाद चो तां तुहानू जुतियां ही पैंदी है, मैं यही कहांगी। कोई तुहानू इनाम दा कोई दंदा नहीं है, है ना, तुसी तां अच्छा करन वास्ते जांदे हो, तां स्टॉप इट, खत्म कर दो, बिल्कुल ना जाओ दूसरियां दी लाइफ विच जाण दा, अपना सेल्फ लव करो। ठीक है, अपनी लाइफ जियो, अगे अपनी लाइफ नू करो, बहुत अच्छे तुहानू ब्लेसिंग्स मिलियां हुई है परमात्मा वालों। ठीक है, उसनू यूज करो। ते हुण मैं तुहानू दस दिंदी हां और रेमेडीज, ठीक है, जिस दे नाल तुसी अपना लक बहुत उत्ते लेके जा सकते हो, जिन्हां नू तुसी यूज नहीं कर पा रहे हो या फिर इस तरह कह सकते हो उसनू भी तुसी यूज कर पाओगे। सब तो पहले नंबर पांच जिन्हां दा भाग्यांक आया है ना, देखो पांच नंबर वालिया नू ना अपने गुरु दी मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, लव, सेवा करनी चाहिदी है। हुण गुरु देखो सब अपने अपने अलग अलग सब दे गुरु हुंदे है, है ना, उहनां नू तां तुसी मनदे ही होवोगे, बट जे नहीं भी तुसी इत्थे किसी गुरु नू नहीं मनदे, जो उहनां लोकां दी मैं गल कर रही हां, तां कोई टीचर होएगा जिस नू तुसी रिस्पेक्ट करदे होवोगे, उस दे उहनां नू कदी फोन लगा लीता है ना, उहनां नू कदी मिलन चले गए, इस तरह भी तुसी कर सकदे हो। या फिर कोई गुरु भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, तां पंज नंबर वालियां नू पता की करना है, अपने लक नू बूस्ट करन दे लई कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन वाला इंसान जो मेहनत करके बहुत अगे आया है, ठीक है, ते उस दिया बुक्स पढ़निया शुरू कर दो, सिंपल है ना, उदे बारे जानना शुरू करो, ए करो तां अपने आप जो परेशानियां आ रही ना, जो लक तुहाडा नहीं हुण तक उपर चढ़िया, अगे उदी गुड्डी नहीं चढ़ी है, तां बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हुण गल कर लैंदे हां जिन्हां दा भाग्यांक 6 है। 6 नंबर लक्ष्मी जी दा, ठीक है, ते तुहानू हो सके तां ज्यादा तो ज्यादा अपना लक्ष्मी जी दी पूजा करो। ठीक है, अपने घर विच लक्ष्मी जी दी फोटो रखो, गुलाब दा फूल चढ़ाओ, ते ज्यादा तो ज्यादा चिट्टे रंग दे कपड़े पाओ, तां तुहानू बहुत ही ज्यादा बहुत ही जल्दी तुहाडा जिहड़ा लक है, किस्मत है, बदलन जाएगी। नंबर सत वालियां नू मैं कहांगी कि तुसी ग्रीन ते ग्रे, यानी कि हरे ते ग्रे स्लेटी कलर, ठीक है, ओ रंग दे कपड़े पाने शुरू कर दो। तां देखो ए नहीं कह रही कि हुण रोज ही तुसी मतलब हरे ते पूरे रंग दे कपड़े पांदे जाओ, नहीं, मतलब कदी कदी दिन विच, 7 दिन विच है ना, हफ्ते दे दिनां विच कदी कदी ए कपड़े पाओ, ते हो सके तां मतलब ग्रे कलर दा रुमाल रख लो अपनी जेब विच, तां तुहाडा लक बूस्ट होएगा, ते किसी भी परमात्मा नू जिन्हां नू तुसी मनदे हो उहनां नू उहनां दी पूजा करो, ठीक है, पाठ करो, डजंट मैटर, ओह तुहाडा लक इनहेंस होएगा ही होएगा। पर सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट, एनिमल्स नू फीड करवाओ, तां तुहाडे वास्ते बहुत 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 अच्छा रहेगा। हुण जिन्हां दा नंबर 8 भाग्यांक है, 8 नंबर यानी कि शनिदेव, ठीक है, जिन्ना हो सके शनिदेव दी पूजा करो, शनि मंदिर जाओ, सरों दे तेल दा दीपक जलाओ, ते जिथे तक हो सके काले कपड़े पाण तो बचो। जिन्हां दा भाग्यांक 9 है उहनां नू की करना चाहिदा है, तां देखो उहनां नू जिन्ना हो सके लाल रंग दे कपड़े पाने चाहिदे हन, ठीक है, ते हनुमान जी दी प्रॉपर हनुमान जी दी पूजा करनी चाहिदी है, हनुमान जी दे मंदिर जाना चाहिदा है। ठीक है, ऐ जेकर तुसी कर लैंदे हो तां तुहाडा जिहड़ी किस्मत है, जो कि 80% लक परमात्मा ने तुहानू दित्ता होया है, तां ओह पूरी तरह तुसी यूज कर पाओगे। सो ऐसी पायल नंबर 2 वालियां दी रीडिंग, जेकर तुहानू मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तां जरूर लाइक करना, कमेंट विच जरूर क्लेम करया करो पॉजिटिव एनर्जी नू, तां तुहाई
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ।